और बीच में अब्दुल रहमान जी जो सी एच जनरल सेक्रेटरी IUML बॉम्बे से हैं, महाराष्ट्र से हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि जो वर्तमान स्थिति भारत की है वो क्या है। सर, SM न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया सर। आज जो देश की वर्तमान हालत है, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल देंगे, और आज 2 करोड़ नौकरियों की जगह ये लगता है कि 50,000 नौकरियां भी प्रत्येक साल नहीं मिल पा रही हैं। जी, प्रधानमंत्री ने बहुत सारे जो है प्रॉमिसेस वादा किया लोगों से 2014 में सत्ता में आने से पहला। सबसे पहला तो स्विस बैंक के अकाउंट से पैसा लाने की बात की उन्होंने, सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने लोगों के ऊपर डिमोनेटेशन तोपा, जिससे वो 15 लाख की बात छोड़ो, लेकिन जो है जो लोग जिनके पास जो पैसे तो भी ख़त्म हो गए, और कॉरपोरेट लोगों को उसका पूरा फायदा पहुंचा। जहां तक नौकरी का सवाल है, नौकरी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर महीने में जो है लाखों लोग हिंदुस्तान के नौजवान जो है पढ़ाई ख़त्म करके बाहर निकल रहा है, और उतना जॉब क्रिएट करना तो दूर की बात है। जितना जॉब थे, जितना पॉसिबिलिटीज है, वो भी जो है ये बीजेपी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी जो है इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा है, इतने अड़चने क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पर रोज़ी रोटी देने के लिए कुछ मतलब पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, जो लोग खुद जो है यहाँ से ज़्यादा दुगना सैलरी लेकर लेने के लिए जब वो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे इस तरीके से कानून ला के कड़ा कर दिया है कि लोग जा ही नहीं सके। पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, बहुत सारे आपको दरवाजे ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन उसी पॉसिबिलिटी को गवर्नमेंट खुद ख़त्म कर रहा है, और हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था जो है टोटली ख़राब हो रहा है, माहौल पूरा ख़राब हो चुका है, और लोगों को जो है सोचने समझने के लिए मौका नहीं देना चाहते। इसलिए ये लोग हर कोई ख़ास मुद्दा उठता है तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान का कुछ मुद्दा खड़ा किया जाता है, ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ बढ़ जाए, सही मुद्दे पर लोगों को सोचने विचार करने का मौका ही नहीं मिले, वक्त नहीं मिले। सर, पात्रा जी हमेशा जो है मतलब इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, अभी कल परसों जो बयान आया है श्री श्री रविशंकर जी का जो बयान आया है कि वो अपने आप को एक धर्म गुरु हैं, एक बहुत बड़े गुरु माना जा मानते हैं, तो एक जाति को लेके, एक धर्म को लेके कि अगर मंदिर की अगर बात अगर सही नहीं होती है तो इसको सीरिया बना दिया जाएगा, ये तो सीधा सीधा मुसलमानों को धमकी है, उसमें कोई शक नहीं है। ये सीधा जो है मुसलमानों को धमकी है। सीरिया में किसको नुकसान हो रहा है, सीरिया में तकलीफ में कौन आ रहा है, सीरिया में कौन मर रहा है, कौन से जाति के बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर, तो ये सीधा सीधा जो है मुसलमानों को एक धमकी है। उनसे ये सवाल करना चाहिए, धमकी देने के लिए उनसे किसने कहा गया है। श्री श्री जो है वो एक टोटल डिफरेंट आइडियोलॉजी के आदमी है, इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, कोई सियासी इंसान तो नहीं है, लेकिन वो जो हिसाब से उनका जो रवैया है, जो हिसाब से वो सब कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, उससे ये पहचाना जाता है कि वो बहुत ही अमन पसंद इंसान है। लेकिन इस तरीके का एक बयान उनके साथ, उनके ज़बान से इस तरीके का बयान ऐसे हालात में आना, इट इज़ वेरी डेंजरस। जी, वो कुछ चेतावनी देना चाहता है, लोगों को डराना चाहता है कि अगर आप लोग नहीं माने सीधा सीधा तो आप लोगों को नुकसान होगा। और इनको ये डर है, हम मुसलमान ये कहते हैं कि हमेशा हिंदुस्तान के संविधान के शुरू होने के बाद में जो है आज तक मुसलमान या कोई भी हिंदुस्तान के नागरिक जो है, भारत के नागरिक, उनको सुप्रीम कोर्ट को जो है मान्यता देता है। जी, इनको डर क्या है सर? आपने हम ये कह रहे हैं कि हमारा मतलब हर जो इवन मुस्लिम लीग का स्टैंड है, हमारे लीडर्स का स्टैंड है कि मेरिट का ऊपर केस का डिसाइड किया जाए। जी, फिर इनको क्या डर है? वाई दे आर गोइंग रनिंग आउट ऑफ द कोर्ट टू सेटल क्यू? और लोगों की मतलब कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ बातें शुरू किए थे, अभी जो है उनको लगा कि वो बातों का कुछ फैसला मतलब कुछ फ़ायदा नहीं, अभी जो है धमकी पर उतर आए, इनडायरेक्ट धमकी है ये। सीरिया का हालत हो जाएगा और ये इनडायरेक्ट धमकी है, मुसलमानों को डराना चाहते। मुसलमान इस तरीके से डरने वाले नहीं है, मुसलमानों को जो है हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर भरोसा है। ये भी हम जो है हमारे जो रहनुमाएं जो है हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें मैं बताना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, मुसलमान और दलित जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको जगह मिला है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन करके बताना चाहूँगा, हमारे मुस्लिम लीग के जो कायदीन थे, कायदे मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब, वो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का मेम्बर था, वहाँ पर उन्होंने जो जद्दोजहद किया उस वजह से आज मुसलमान को भी दलित को भी कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा हक मिला है जी। इसका अगर आप मुझे ज़्यादा वक्त दें तो मैं इसके बारे में पूरा आपको विवरण दे सकता हूँ।
तो इसीलिए मुसलमानों को जो है पूरा भरोसा संविधान के ऊपर है। मैं मेरा भी कहना यह है कि हमारी पार्टी का भी कहना यह है, मैं मेरे लीडर्स को मैंने सुना हूँ कि भाई सुप्रीम ये भाई ये बाबरी मस्जिद का केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरिट के हिसाब से फैसला किया जाए। इनको डेफिनेटली डर है क्योंकि कानून जो है कहानियों को नहीं मानते हैं जी, कानून सिर्फ मेरिट को देखते हैं, प्रूफ को देखते हैं, उसी के हिसाब से जो है फैसला किया जाएगा। इनको 100% डर है कि कानून शायद इनको ये डर पक्का बैठ गया है, पता भी चल गया कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से फैसला इनके खिलाफ आने वाला है। इसीलिए ये लोग या तो मुसलमानों को डरा करके जो है मनवाना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर कुछ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो तो चाहते हैं कि वहाँ मस्जिद बने और उसका हम कोई विरोध नहीं करेंगे। कभी कभी आप डिबेट के अंदर देखते हैं कि कुछ मोमडन ही जो लीडर हैं अपने आप को लीडर समझते हैं वो इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। इस तरीके से देखिए आजकल बहुत सारे लीडर्स उभर आते हैं और इरेस्पॉन्सिबल जो है बयानात करते हैं। कुछ अभी कुछ दिन पहले भी कुछ चल रहा था, कभी कभी इनका जो एक बाहर का जो दिखावा है अलग रहता है, कभी कभी ऐसे बयानात करते हैं कि लोग एकदम अचंभे में आ जाते हैं जी। इनको इंडिविजुअली इस बारे में जो है बयानात नहीं करना चाहिए, इनको चाहिए कि मुस्लिम लीडरशिप जो है जो भी है साथ में बैठे फैसला करे, मेजॉरिटी डिसीजन क्या है उसके हिसाब से सब मिल करके चले। बाकी ये लोग तो चाहते हैं कि मुसलमान जो हमेशा बटा रहे जी, जैसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि हम मुसलमानों को शियाओं को सुन्नी को उसको इसको आपस में लड़ाएंगे जब भी हम, तो जब भी ये लोग जो है आगे बढ़ सकेगा इनका मंशा में ये कामयाब होंगे, तो वो मुसलमानों को समझना चाहिए। मुसलमान अकेला दुकेला निकल करके इस तरीके से बयान नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को जो मेन लीडरशिप है उनको साथ में बैठना चाहिए, बैठ करके इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए हमारे लिए देश के लिए क्या उचित होगा। और गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान का है जो जाना जाता है दुनिया भर में वो उसको बरकरार रखे, चाहे हिंदू लीडर हो या मुसलमान लीडर हो जी। एक तरफ जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग होता है, आप इस तरह की बयान करना और आप फलाने जगह पर लड़ना, और वही बयान होता है वो बयान होने के हिसाब से लोग ये समझते हैं कि ये पूरा हिंदू के खिलाफ है, और उसी हिसाब से बंटवारा होता है, पोलराइजेशन होता है जी। तो ये सब लोग समझते हैं कि ये दुनिया को पता नहीं, दुनिया को सब पता है और ये आगे चल करके और भी खुला हो जाए, खुलासा हो जाएगा इसका। हमें पूरा बीइंग ए मुस्लिम ऑफ इंडिया मुझे पूरा भरोसा है हिंदुस्तान के अक्सरियत मेजॉरिटी जो हिंदू है वो सेकुलर है, इसीलिए हिंदुस्तान पर अभी भी अमन और चैन जो है बरकरार है और ये बरकरार रहेगा। बीजेपी आरएसएस बजरंग दल कितना भी कोशिश कर ले यहाँ का ये माहौल थोड़ा सा ख़राब कर सके, लेकिन हमेशा ये जो एक तहजीब जो है गंगा जी ये बरकरार रहेगा। ये लोगों का कोई कितना भी कोशिश कर ले, मुसलमान को मार ले, मार रहे मुसलमानों को, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो ख़त्म नहीं होने वाला, मुसलमान इनके झांसे में आने वाला नहीं।